Good morning, rise and shine. Welcome back to my video. Today's video is going to be special because आज हम travel करने जा रहे हैं केदारनाथ. So जो भी experiences हमारे साथ होंगे वो हम आपके साथ share करेंगे. So let's go. जय भोलेनाथ. तो ये है हमारी सवारी Honda X-Blade 160cc. ये हमारा साथ देगी. और अब मैं आपको मिलाना चाहूँगा अपने छोटे भाई से जिसका नाम अमन नोटियाल है. पेशे से वकील हैं और हमारी इस जर्नी में हमारा साथ देंगे. हमने पहले से कुछ तैयारियाँ करी हुई थी, जैसे कि हमने इसमें पहले से ही जो तेल है वो पूरा भरा दिया था और हमने कुछ पंचर किट्स भी रखे हैं ताकि हमें आगे कहीं दिक्कत ना हो. और हमने एक छोटा सा पंप भी रखा है. तो हमने जो अभी तेल भरवाया है वो है अराउंड 1100 रुपए का और बाकी बीच में देखेंगे. तो चलते हैं हरिद्वार बाईपास रोड की तरफ और शुरू करते हैं अपनी जर्नी को. तो दून घाटी को छोड़कर हम चल दिए हैं हिमालय के द्वार ऋषिकेश की तरफ. ऋषिकेश का अपना महत्व है हिंदू धर्म में. मान्यता है जब सागर मंथन हुआ था तो शिव जी ने यहीं पर विष का सेवन किया था और तभी से यहाँ पे नीलकंठ नाम से शिव जी प्रसिद्ध हैं. एक अन्य अनुश्रुति के अनुसार भगवान राम ने वनवास के दौरान यहाँ के जंगलों में अपना समय व्यतीत किया था और रस्सी से बना लक्ष्मण झूला इसका प्रमाण माना जाता है. तो लेते हैं सफ़र का मज़ा. आपको रास्ते की पूरी जानकारी देता रहूँगा. इसी तो हम गंगा जी के दर्शन करके आगे बढ़ गए हमारे नेक्स्ट स्टॉप की तरफ जो है देवप्रयाग. रोड के दोनों तरफ हरियाली है, सामने बादल हैं, सामने पहाड़ भी दिख रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा सीनिक व्यू है. देवप्रयाग की बात करें तो देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी के संगम से बनता है. तो लीजिए हम पहुंच गए हैं श्रीनगर. ये अलकनंदा नदी के किनारे पर बसा हुआ एक छोटा सा शहर है और यहाँ पे हिम्मती नंदन बोगड़ा यूनिवर्सिटी भी है जहाँ से कि मैंने अपना जो स्नातक है वो तीर्ण किया है. बीकॉम किया है मैंने डीएवी से. तो यहाँ से काफ़ी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं हमारी क्योंकि यहाँ पे कई बार हम आए हैं अपनी डिग्री लेने के लिए और दो चार दिन का हमने यहाँ पे काफ़ी स्टे किया था. तो घूमे थे हम काफ़ी. यहाँ से मेरी नानी जी का जो घर है वो भी काफ़ी पास है तो यहाँ पे आना जाना लगा रहता है. तो बहुत ही अच्छा बाज़ार है, यहाँ पे एक गोल बाज़ार भी है. तो आप लोग एंजॉय कीजिए व्यू अलकनंदा नदी का और हम मिलते हैं आपसे.
हमारा नेक्स्ट स्टॉप है धारी देवी का मंदिर। इस मंदिर में मौजूद माता की जो मूर्ति है वो दिन में 3 बार अपना रूप बदल लेती है। मॉर्निंग में ये किसी कन्या की तरह लगती है, दोपहर में किसी युवती की तरह लगती है और शाम में एक बूढ़ी महिला की तरह लगती है। तो ये बहुत ही अलौकिक है। ये मंदिर काली देवी को समर्पित है और कहा जाता है कि माँ धारी उत्तराखंड के चारों धामों की रक्षा करती है। तो आप ड्रोन व्यूज को एंजॉय कीजिए। तो देवी माता को प्रणाम करने के बाद हम चल दिए हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉप की तरफ, जो कि है रुद्रप्रयाग। और रोड देखिए, बिल्कुल ही अच्छी रोड के साथ साथ बीच में कुछ पैचेस भी आ जा रहे हैं। तो ये रफ पैचेस हैं, तो इसमें काफ़ी, जो मैं पिलियन राइडर हूँ, मुझे थोड़ा तकलीफ़ हो ही रही है इसमें, क्योंकि काफ़ी गड्ढे हैं। तो ये जो हमारी बाइक है, इसके जो शॉकर्स हैं वो काफ़ी हार्ड हैं। तो ये आ गए हम रुद्रप्रयाग, जो कि अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम से बना है। इन्जॉय दिस व्यू, बहुत ही बढ़िया। तो अब हम चलते हैं टुवर्ड सोनप्रयाग और आप इन्जॉय कीजिए व्यू का, राइड का। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं पाटा, जहाँ से हेलीकॉप्टर्स मिल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको बाय एयर केदारनाथ जी के दर्शन करने हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जो इसका प्राइस है वो है अराउंड 2,600 वन साइड, और अगर आप दोनों साइड करते हैं, राउंड ट्रिप करते हैं, तो आपका पड़ जाता है अराउंड 5,000 के करीब। तो रुकते हैं कुछ खाने पीने के लिए। यहाँ पे हमें एक मिठाई की दुकान दिखी थी, तो मिठाइयाँ काफ़ी अच्छी थी इनके पास, तो हमने ट्राई किया। तो हमने इनके पास से जो ट्राई किया है वो किया है मिल्क केक, और हमने इसमें थोड़ा सा चाय भी बोली है इनको, ताकि हमारी जो थोड़ा थकान है वो हल्की सी मिट जाए। तो नज़ारे आप देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही अच्छे नज़ारे दिख रहे हैं हमको यहाँ से। चाय जो बनाई थी बहुत ही बेहतरीन थी, मिल्क केक भी बहुत ही बढ़िया था भैया का। और अब यहाँ से जो सोन प्रयाग है वो अराउंड 13 to 14 किलोमीटर्स बचता है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा फल वल लेने के लिए रुकेंगे, क्योंकि हो सकता है हम आज ही जो हमारी चढ़ाई है वो स्टार्ट करें। तो हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा फ्रूट फ्रूट कुछ ले लें अपने साथ, ताकि चढ़ाई चढ़ने में कोई दिक्कत ना हो अपने। सो फाइनली वी आर एट सोन प्रयाग,
और मैं आपको थोड़ा सा टूर करवा देता हूँ आगे की तरफ कि कहाँ तक है ये सोनप्रयाग, क्योंकि जो बाइक पार्किंग है वो पीछे है, तो मैंने सोचा जहाँ तक जा रही है बाइक वहाँ तक आपको दिखा देता हूँ कि कैसे है होगा यहाँ से जाने का। तो यहाँ से काफ़ी लाइंस लग जाती हैं क्योंकि यहाँ से बाइक कार जो भी है लास्ट यहाँ पे पार्किंग होती है, इससे ऊपर अलाउ नहीं करते हैं जाना, लेकिन हम जा रहे हैं, देखते हैं हम कहाँ तक जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से टैक्सियाँ चलती हैं, लोकल टैक्सियाँ जो कि 50 रुपये का चार्ज करती हैं आपको और आपको गौरीकुंड पे छोड़ देती हैं। वहीं से एक्चुअली आपकी जो जर्नी है पैदल वाली, या फिर आप घोड़ा करेंगे या फिर कुछ करेंगे पालकी करेंगे, तो वो होगा। तो फाइनली बाइक हो गई अपनी पार्क और अब हम चलते हैं पैदल गौरीकुंड की तरफ, और हम एक कैब लेंगे और कैब हमें छोड़ देगी गौरीकुंड पे।